ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। मोबाइल में अश्लील वेबसाइट चल रही है, उस पर सेंसर बोर्ड क्यों नहीं? यह कहना है धैर्य निधि महाराज सर का। जब फिल्मों में प्रचारण से पहले सेंसर बोर्ड से पास करवाना ज़रूरी होता है, तो मोबाइल में अश्लील वेबसाइटों पर रोक लगाने के लिए सेंसर बोर्ड क्यों नहीं और मीडिया इस बात पर आवाज़ क्यों नहीं उठाता? यह बात आज श्वेतांबर जैन मंदिर में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जिला झालावाड़ इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता धैर्य मुनि श्री महाराज सर ने संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं और समाज में एकल परिवार की मनोवृत्ति बढ़ रही है, जो हमारे देश के लिए गंभीर और घातक है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार खत्म हो रहे हैं, पहले नैतिकता थी, अब सब कुछ खत्म हो गया है। आजकल शोक मोज की प्रवृत्ति डेवलप हो रही है, सारे पाप सारी गलतियां आंख से अंदर जाती है, तो क्यों ना हम अपनी दृष्टि को सर रखें और अपना नजरिया बदलें। गलत दृष्टिकोण से हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। ऑनलाइन शॉपिंग पर भी बोलते हुए कहा कि अमेज़ॉन से ऑनलाइन खरीद कर हम अपने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ रहे हैं और ऐसा करने से हम अपने देश की अर्थव्यवस्था और देश को ही धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। मीडिया पर बोलते हुए कहा कि आज की मीडिया के माध्यम से नकारात्मकता फैल रही है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। मीडिया ही समाज को नई दिशा दे सकता है। आज की संस्कृति पर उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी कोई भी झांसी की रानी क्यों नहीं बन पाई, जबकि 3 विश्व सुंदरी पैदा हो गई। सोचो हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता फैल रही है, लिव इन रिलेशनशिप की संस्कृति पनप रही है, जो समाज के लिए खतरनाक है। पहले जो घर में होता था वो फिल्मों में दिखाते थे, लेकिन अब जो फिल्मों में होता है वो घरों में दिखाते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप किसी बलात्कारी का समाचार लिखें या चैनल पर चलाएं, तो बलात्कारी के नाम के साथ उसके परिजनों का नाम ना जोड़ें, क्योंकि माँ बाप ने तो अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन गलती उसने की है तो उसमें माता पिता का क्या दोष। इस अवसर पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार जिलाध्यक्ष भंवर सिंह कुशवाहा ने भी संबोधित करते हुए पत्रकारों के साथ होने वाली समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि पत्रकारों से सभी को अपेक्षा रहती है, लेकिन उनकी समस्याओं पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता। कार्यक्रम के अंत में जार जिला संरक्षक जगदीश पोरवाल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक श्री संघ द्वारा जार पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जार सदस्य तूफान सिंह चौहान, राहुल रावल, दिलीप श्रृंगी, हरीश पटवा, वसीम अक्रम, किशोर तंवर, राजू वर्मा, संस्कृति जैन, अनिल विश्वकर्मा, नवीन राजवाल आदि के साथ श्वेतांबर जैन मंदिर मूर्ति पूजक श्री संघ